किसकी जिंदगी में नहीं होती, लेकिन इस तरह तकलीफ देने का अपने आप को क्या फायदा। देखो मां बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा मुश्किलात की आंखों में आंखें डालकर फाइट करना सिखाया। लेकिन डैड ये इतनी मामूली बात नहीं है। मैं अरे बेटा, मेरी बेटी तो बहुत निडर और बहादुर है, हा? वो इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकती है। लेकिन बेटा नाश्ते और खाने का क्या कसूर है, ना खाने से क्या मुश्किलात दूर हो जाएंगी। चलो बस, नॉट एनी मोर, अब पिछली बातों को बिल्कुल भुला दो और आज के बाद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। बेटा गलत रास्ते पे चलने का सोग नहीं मनाया जाता, बल्कि दुरुस्त रास्ता तलाश किया जाता। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे डैड, सब कुछ भूल जाओ और छोड़ो ईमान और अहमर को। हम सब यहां चल रहे हैं और उनकी दी गई तकलीफ में आंसू बहा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हो सकता है कि वो खुश हो। ना तो उनपे कोई रोक टोक है और ना ही कोई डर खौफ। मुझे तो लगता है कि वो दोनों मिलते भी होंगे। अजमा, मुझे तो हैरत है कि ईमान के घर से कोई आया भी नहीं। किस मुंह से आएंगे भला, और किस तरह करेंगे अपनी बहन की हरकतों को जस्टिफाई। याद है ना कितनी बदतमीजी कर रहा था, बड़ा शौक था अपनी बहन को ले जाने को, अब रखे अपने पास। और मैंने तो फखर को साफ कह दिया कि ईमान को तलाक दे दे, जान छुड़ा है उससे।